नमस्कार दोस्तों, रेफ्रिजरेंट गैस एक एयर कंडीशनर या फिर एक रेफ्रिजरेटर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। आपका अगर कोई एयर कंडीशनर है उसमें आप कितना भी अच्छा कंडेंसर कॉयल लगवा लीजिए, कितना भी अच्छा आप उसमें कंप्रेसर या फिर एवापोरेटर लगा लीजिए, लेकिन अगर उसमें एक अच्छा रेफ्रिजरेंट गैस नहीं है तो आपका एयर कंडीशनर आपके रूम को कूल करने के लिए सक्षम नहीं होगा। आपका रेफ्रिजरेटर अंदर से कूलिंग नहीं करेगा। एक रेफ्रिजरेंट गैस आपके एयर कंडीशनर में दौड़ते हुए ब्लड यानी कि खून की तरह है, जो उसके कंडेंसर साइड से एवापोरेटर साइड में और एवापोरेटर साइड से कंडेंसर साइड में आपके कंप्रेसर द्वारा पंप होता रहता है और आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल को कंप्लीट करता है और आपके रूम को वो ठंडा करता है। तो एक रेफ्रिजरेंट गैस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट गैस आपके एयर कंडीशनर्स में और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, क्या उनके फायदे नुकसान हैं और आपको किस टाइप का रेफ्रिजरेंट गैस अपने लिए चूज करना चाहिए अपने एयर कंडीशनर या फिर अपने रेफ्रिजरेटर में। आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी रेफ्रिजरेंट गैसेस के बारे में जान लेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट गैसेस एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट गैस यूज हुआ करते थे 1994 से पहले, उनको CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता था। इनमें क्लोरीन की मात्रा काफी ज्यादा होती थी और ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेस थे ये ओजोन लेयर के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे। इनकी ग्लोबल वार्मिंग की जो वैल्यू है और ओजोन डिप्लीशन की जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा हाई थी। और ये रेफ्रिजरेंट गैसेस थे जैसे कि R11, R12, R112, R113, R114, ये सब रेफ्रिजरेंट गैसेस तब यूज़ होते थे जो कि CFC कहलाते थे और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रेफ्रिजरेंट गैसेस थे। उसके बाद 1994 में इन रेफ्रिजरेंट गैसेस को सभी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए और ओजोन लेयर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक थे। तो दोस्तों, 1994 के बाद जो रेफ्रिजरेंट गैसेस इंट्रोड्यूस हुई उनको कहा जाता था HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे पहले थे CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अब मार्केट में आ जाते हैं HCFC यानी कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आपके पहले वाले CFC से क्लोरीन की मात्रा में थोड़े से कम थे, इसीलिए वो आपके थोड़े से एनवायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा थे, यानी कि वो ओजोन के लिए तो इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे, लेकिन HCFCs आपके ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उनकी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि HCFCs जिनको फ्रेयॉन गैस भी कहा जाता है, जिनमें R22, R123 और R124 आ जाता है, ये जो रेफ्रिजरेंट गैसेज हैं ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। इंडिया में करीब 50-60% एयर कंडीशनर्स में आज भी R22 यूज़ होता है और ये वो एयर कंडीशनर्स हैं जो 2016 से पहले मैन्युफैक्चर हुए थे। आज की डेट में जो नए एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं उनमें किसी में भी R22 नहीं यूज हो रहा है। हाँ, अगर कुछ बिल्कुल ही लोकल मेड एयर कंडीशनर्स हैं शायद उनमें R22 हो सकता है यूज हो रहा हो, क्योंकि ये जो गैस है काफी सस्ती मिल जाती है। लेकिन जो भी ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स हैं आज की डेट में या तो R410A दे रहे हैं या फिर R32 दे रहे हैं। तो R22 जो कि फ्रेयॉन्स हैं वो आज की डेट में बैन हो चुके हैं और इंडिया में भी ये 2030 का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक R22 को कंप्लीटली इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। और हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको R22 की अवेलेबिलिटी ना मिले या फिर ये जो गैस है ये हो सकता है आपको ब्लैक में मिले, काफी महंगा मिले। वैसे R22 गैस को ना यूज करना ही बेहतर है क्योंकि ये एनवायरमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसके बाद कौन से गैसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि आपके काफी हद तक एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं और R22, R124 और R123 जैसे गैसेस को वो रिप्लेस करते हैं। इसके बाद जो रेफ्रिजरेंट गैसेस इंट्रोड्यूस हुए वो थे HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो दोस्तों, सबसे पहले थे CFC, फिर आए HCFC और अब आया HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिनमें क्लोरीन की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। तो ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफी सेफ थे और आपके ओजोन डिप्लीशन भी नहीं कर रहे थे। इनमें कौन कौन से गैसेस आ जाते हैं? इनमें आपके आज के सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड R410A आ जाता है और R32 आ जाता है। इनमें अगर R410A की बात करें तो R410A बेसिकली दो
रेफ्रिजरेंट गैसेस का मिक्सचर है जिनमें आ जाता है R125 और R32, यानी कि R125 और R32 को जब मिक्स किया जाता है तो R410A बन जाता है। और ये जो रेफ्रिजरेंट गैस है ये काफ़ी हद तक आपका ओजोन के लिए काफ़ी सेफ है, लेकिन R410A जहां ओजोन के लिए सेफ है वहां R410A आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी अनसेफ है। R410A की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की जो स्कोर है वो 2088 है, यानी कि उसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी हाई है। हालांकि इससे पहले वाले जो गैसेस थे जैसे कि CFC, HCFC, इनके मुकाबले R410A की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करते हैं R32 से, R32 की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो है 675 और R410A की 2088। तो आप देख सकते हैं कि जो R32 गैस है वो R410A के भी बाद आया और वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद आया। और R32 जो गैस है ये बहुत ही अच्छी गैस है क्योंकि ये आपके ओजोन के लिए भी बिल्कुल सेफ है और ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए भी बहुत अच्छी गैस है। इनमें इसकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 675 यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। तो आप देख सकते हैं कि R32 जो है वो सबसे अच्छी गैस है आज की डेट में अगर आप देखें आपके एयर कंडीशनर्स और आपके रेफ्रिजरेटर्स के लिए। लेकिन दोस्तों रेफ्रिजरेंट गैसेस की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो आपकी HFC में जाकर नहीं रुकती है, उसके बाद भी एक और कैटेगरी गैसेस की आई है जिसको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है यानी कि HCs कहा जाता है। तो दोस्तों आपके HCs यानी कि हाइड्रोकार्बन्स में प्रोपेन और आइसोब्यूटेन गैस आ जाता है जिनको R290 और R600A भी कहा जाता है, यानी कि R290 यानी प्रोपेन और R600A यानी कि आइसोब्यूटेन। दोस्तों ये काफ़ी अच्छे गैसेस हैं और इनकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये आपकी सिर्फ सिंगल फिगर्स में है यानी कि 1, 2 या 3 के बीच में है। और ओजोन लेयर के लिए तो ये सब गैसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इन सब गैसेस का ओजोन लेयर पे कोई भी गलत असर नहीं पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग में तो ये टॉप क्लास के गैस है, बिल्कुल भी कोई भी ग्लोबल वार्मिंग इन गैसेस से नहीं होती है। लेकिन आपके जो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन है ये आपके एज अ रेफ्रिजरेंट गैस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है, वो ये कि प्रोपेन और आइसोब्यूटेन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है यानी कि इनमें बहुत ही आसानी से आग लग जाती है, आग लगने की संभावना इनमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये आफ्टर ऑल हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब भी हाइड्रोकार्बन्स के कैटेगरी में आ जाता है। और जैसे पेट्रोल में तुरंत आग लगती है, डीजल में तुरंत आग लगती है, केरोसिन में तुरंत आग लगती है, ऐसे ही प्रोपेन, आइसोब्यूटेन वगैरह में बहुत जल्दी से आग लग जाती है। लेकिन अगर आप इसको एज अ रेफ्रिजरेंट गैस यूज़ किया जाए, इसको बहुत ही ज़्यादा सेफ तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो ये भी बहुत अच्छे रेफ्रिजरेंट गैस हैं अगर इनको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन पोटेंशियल है उस एंगल से देखा जाए। लेकिन खैर ये जो गैसेस हैं ये प्रैक्टिकली आपके बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर्स या फिर रेफ्रिजरेटर्स में नहीं यूज़ होते हैं, लेकिन रिसर्च आगे चल रही है ताकि इन गैसेस की जो जलने की क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाए और इनकी जो कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाए और बरकरार रहे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में और कौन सी नई नई डेवलपमेंट्स निकल कर आती हैं। जो भी आती रहेंगी इस चैनल पे आपको मैं बताता रहूँगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज का एपिसोड आपको कैसे लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी और कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।